हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य है? तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। सहभाज्य संख्या वो होती है दोस्तों जिनका महसा जो है हमेशा कितना हो, एक हो। तो जिनका दोस्तों महसा एक आएगा वही जो है सहभाज्य संख्या होगा। जैसा कि दोस्तों ऑप्शन सी देखते हैं, 59 और 97 का दोस्तों अगर हम महसा निकालेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या जो है भाज्य संख्या है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है भाज्य संख्या कौन सी है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो दोस्तों इनके अंकों का योग निकाल लेते हैं। 7 + 2 + 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 और + 9 बराबर कितना हो गया? 18। 18 जो कि दोस्तों 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा, और 18 से भी कटेगा तो 729 जो है ये 3 से भी कट जा रहा है, 9 से कट जा रहा है, तो यही संख्या जो है भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जिन दोनों का महसा कितना है, एक आए, वह क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे दोस्तों पहला वाला ऑप्शन जो है 12 और 7, 12 और 7 का दोस्तों हम महसा निकालेंगे कितना आएगा, एक आएगा, तो यही जो है सह अभाज्य संख्या है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन एक विषम भाज्य संख्या है? तो दोस्तों वो संख्या कौन सी है जो विषम भी हो प्लस भाज्य संख्या भी हो? तो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि 15 क्या है, एक विषम संख्या है, और 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन एक अविभाज्य संख्या है? तो दोस्तों अविभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? प्राइम संख्या, प्राइम संख्या, जिसे दोस्तों अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन जो है अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों पहले चेक कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों 121 जो है ये दोस्तों 11 से कट जाएगा, तो ये तो जो है अविभाज्य संख्या नहीं हुई। दूसरा दोस्तों 141 है, 141 दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, तो ये भी अविभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों 181 जो है, 181 दोस्तों केवल एक से कटेगा और अपने से कटता है, तो ये जो है अविभाज्य संख्या है। और दोस्तों ऑप्शन डी देखते हैं, 161 दोस्तों ये 7 से कटता है, तो ऑप्शन सी जो है अविभाज्य संख्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? तो दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर पहले क्या होता है ये जान लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर वो होता है जो दोनों संख्या जो है अभाज्य संख्या हो, दोनों संख्या, जैसे दोस्तों पहला वाला लिखा है 11 और 13, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से यहाँ पे 71 और 73, ये भी दोस्तों दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। और देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी लिखा है 191 और 193, ये भी दोस्तों ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि 191 भी प्राइम नंबर है और 193 भी प्राइम नंबर है। बचा कौन दोस्तों? ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन सी क्या है? 131 और 133 है। जैसा कि दोस्तों हम ये जानते हैं कि 133 जो है ये किससे कट जाएगा दोस्तों? 7 से कट जाएगा, इसलिए ये जो है ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो पहले चेक कर लेते हैं ये कौन कौन सी संख्या से कट रही है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि 209 जो है ये 11 से भी कटता है और 19 से भी कटता है, तो ये तो दोस्तों संयुक्त संख्या हो गई। और दोस्तों 203 जो है ये 7 से कटता है और 29 से भी कट जाता है। और दोस्तों 161 जो है, 161 ये 7 से कटेगा और 23 से कटेगा। बचा कौन दोस्तों? 109, 109 जो है केवल 1 से कटता है और 109 से ही कटता है, तो 109 जो है ये संयुक्त संख्या नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। अभाज्य संख्या दोस्तों वो होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? दो होती है। तो दोस्तों इसमें दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। 97 दोस्तों ये दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या में चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होता है? हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वो होता है जो केवल स्वयं से कटे और एक से कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन बी में देखिएगा, लिखा है केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो दोस्तों एक से लेकर सौ तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ये आपको बताना है। इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।